प्रिज्म के बारे में छोटी छोटी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रिज्म क्या होता है, तो प्रिज्म जैसे किसी भी लाइट को डिविएट कर देता है, उसका डिविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब बातें कर चुके हैं। लास्ट टाइम पे हमने देखा था ग्राफ डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में। आज हम लोग को कुछ चीज़ें पढ़नी है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस क्या होता है, नो इमर्जेंस क्या होता है, फिर पढ़ेंगे थिन प्रिज्म और डिस्पर्जन के बारे में। वेलकम बैक, हाय, मैं हूं सार्थक। और आज की क्लास करने से पहले, जो लोग भी अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पे गलती से आ गए हो, तो पिछला लेक्चर जरूर से देख लें जो प्रिज्म के बारे में बेसिक था, ठीक है। वहाँ पे दो फॉर्मूले हमने देखे थे कि डिविएशन होता है डिविएशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। दूसरा होता है एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल्स टू R1 R2 क्या होता है, ये भी आपको पता होगा। रिफ्रैक्टिव एंगल पहले साइड से और रिफ्रैक्टिव एंगल दूसरे साइड से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बात करेंगे सबसे पहले ग्रेजिंग इमर्जेंस होता क्या है। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में बनाएंगे हम लोग एक प्रिज्म। तो प्रिज्म के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग जानते हैं, जैसे कि एक लाइट आती है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, इस लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये लाइट जब इस मीडियम में पास करती है तो हो जाती है रिफ्रैक्ट, बेंड कर जाती है, फिर दूसरे मीडियम से जब निकलती तो ये और बेंड कर जाती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो, ये बेंडिंग इतना हो जाए कि ये बिल्कुल इस साइड के पैरेलल से निकले, इसी बात को हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। यहाँ से एंटर तो करें पर जो दूसरे साइड से निकले वो इस साइड के बिल्कुल, इस सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो, इसी बात को बोलते हैं हम लोग ग्रेजिंग, ठीक है, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये स्पेशल कंडीशन है, ये बात आपको समझनी है। एक बात और जरूरी इसके बारे में जानने के लिए, हम लोग डिविएशन पढ़ चुके ना, डिविएशन होता क्या है, जैसे ये लाइट रे जहाँ से आ रही थी, जो इसका ओरिजिनल पाथ था, और जो गई इनके बीच का, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन, ये जो स्पेशल कंडीशन है, यहीं पे मिलता हमें मैक्सिमम डिविएशन, यहाँ पे मिलता हमें मैक्सिमम डिविएशन। थोड़ा थोड़ा आपको बात समझ में आ रही होगी क्यों मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि लाइट जो ऐसे बेंड करती है सबसे ज़्यादा बेंड कर सकती है यहाँ तक, और ये वाली जो बात है यहाँ पे हमें मिलता है मैक्सिमम डिविएशन। अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि इससे अंदर भी तो हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन आएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये जो होती है साइड के बिल्कुल चिपक के निकल रहा है, इसे बोलते हैं मैक्सिमम डिविएशन या फिर ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। अब देखो, जब कभी भी प्रिज्म के बारे में हम लोग को पढ़ाई करनी होगी, जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल है, कोई भी डेरिवेशन है, कुछ चीज़ें बिल्कुल दिमाग में श्योर शॉट रखना है आपको। जैसे कि आप हर बार यहाँ पे इस सरफेस पे लगाओगे स्नेल्स लॉ, वैसे इस सरफेस पे भी लगाओगे स्नेल्स लॉ, दो बात। तीसरी बात, आपको पता है ये होता है R1, ये होता है R2, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे R2 नहीं है, और ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इनके बीच में रिलेशन होता है A = R1 + R2। तीसरी बात, चौथी बात, अगर जरूरत पड़े तो डेविएशन वगैरह की, तो डेविएशन का भी फॉर्मूला है। बस ये 3 से 4 बातें आपको हर किसी भी प्रॉब्लम में, छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, ये बातें आपको प्रिज्म में ध्यान रखनी होती है। यहाँ यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे आपको स्नेल्स लॉ लगाना है, और एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए A = R1 R2 जो रिलेशन है उसको यूज़ करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए भी बात करूँगा, और साथ ही साथ नो इमरजेंस में भी यही चीज़ें यूज़ करूँगा मैं। एट सच आपने शायद कई बुक्स वगैरह में देखा हो, तो इनके लिए बहुत रिजल्ट के, पता नहीं, अंडर रूट वगैरह में रिजल्ट्स दे रखे होते हैं। अगर याद करने की कोशिश करोगे तो कर सकते हैं, कुछ लोग याद करने वाले होते हैं, कर सकते हैं, बट ये अच्छा नहीं यार, फिजिक्स समझने की चीज़ें इतना याद क्यों करें। हम लोग कंडीशन बस समझ लेते हैं कि कंडीशन क्या यूज़ करनी है, ठीक है, बाकी जो रिजल्ट आता है उसको आप समझ लो, कहीं डिराइव करना है डिराइव कर सकते हैं, याद मत करना यार, मुझे भी याद नहीं होते। देखो यहाँ पे आते हैं, तो ये जो साइड है इसके अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचता हूँ तो मुझे पता है कि ये है नॉर्मल, और नॉर्मल से ये वाली लाइट बिल्कुल पैरेलल गई तो ये एंगल बनाएगी, वैसे तो ये होगा 90 डिग्री। एक बात श्योर शॉट है यहाँ पे, जब ग्रेजिंग इमर्जेंस है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है 90 डिग्री, ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। तो एक इक्वेशन थोड़ी आपकी आसान होने वाली, मैंने जो भी बताया टूल्स, सोचने का तरीका, सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई आई एंगल है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इक्वेशन कैसे लगाएंगे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिफ्रैक्ट स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं, पहली इक्वेशन आएगी म्यू एयर इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर वन, ठीक है, तो ये आता है साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर वन, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे क्या हुआ अगर, हाँ यहाँ पे क्या हुआ, ये लाइट बिल्कुल
बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर निकली, बाहर निकली तो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे मान लो कुछ भी एंगल है आर टू, आर टू ठीक है। यहाँ पे अगर कंडीशन लगाते हैं स्नेल्स लॉ की, म्यू इसका साइन आर टू इक्वल्स टू म्यू वन इंटू साइन 90, तो यहाँ कुछ मिलता है म्यू इंटू साइन आर टू इक्वल्स टू वन इंटू साइन 90, जिसकी भी वैल्यू आएगी वन, वन इंटू वन यानी वन, पहले इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। तीसरी बात मुझे बताया कि ए होगा बराबर आर वन प्लस आर टू के, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को, अगर इन इक्वेशंस को आप लिख पा रहे हो, तो अगर इस पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आएगी तो सबकी वैल्यूज दी रहेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, म्यू की वैल्यू इतना है, तो वह इस पर वैल्यूज रखोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आपको डिराइव करना है कि आर वन आर टू ए के बीच में रिलेशन हो, वो भी कर सकते हैं। देखो क्या करना है हमें आगे, यहाँ तो हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि आर वन भी चल रहा है आर टू भी चल रहा है, तो इसको यूज़ करके एक किसी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ कि साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर वन। अब आर वन की जगह, ठीक है, आर वन की जगह या फिर या एक इक्वेशन इसको रहने दो, ये सही चल रहा है, ठीक है, इसमें कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये वाला जो आर टू है ना, यहाँ से मैं आर टू को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर म्यू साइन आर टू की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, ए माइनस आर वन इक्वल्स टू वन। दूसरी इक्वेशन, क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को लिखने से फ़ायदा क्या मिल रहा है मुझे, लिखने से देखो कुछ फ़ायदा बड़ा नहीं मिल रहा है, यहाँ तक फिजिक्स का काम हो गया, यहाँ तक फिजिक्स का काम हो गया, आगे की काम है मैथ्स का, ठीक है। तो बात समझ पाओगे तो अच्छी है, नहीं समझ पाओगे फिर भी आप देखने की कोशिश करना कि स्टेप्स कैसे यूज़ करते हैं। जैसे साइन ए माइनस बी, ये क्या लिखा है, साइन ए माइनस बी, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है, मैंने भूल तो दिया, अब लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे म्यू को बाहर करो साइन ए कॉस आर वन माइनस साइन आर वन कॉस ए, ये मिलेगी पूरी बात, ठीक है, इसको एक्सपेंड करने से, और इक्वल्स किसके है, वन के। अब देखो इतनी बात तो लिख ली, अब यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, साइन आई की वैल्यू मुझे यहाँ से लिख, साइन आई की वैल्यू मैं ऊपर से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, साइन आई की वैल्यू ऊपर से यूज़ करो, आई को मत यूज़ करो ना, आर वन की वैल्यू यूज़ कर लो, तो साइन आर वन की वैल्यू कितनी होगी, साइन आई अपॉन म्यू। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, साइन ए कॉस आर वन, अभी रख छोड़ते हैं, साइन आर वन की वैल्यू यहाँ से मिलेगी मुझे साइन आई अपॉन म्यू कॉस ए। अब देखो यहाँ पे क्या मैंने नहीं लिखा, कॉस आर वन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर बुक में देखोगे तो एक रिजल्ट ऐसा कुछ दे रखा है। यहाँ पे अगर आपको साइन पता है तो क्या आप कॉस बता सकते हो, जी हाँ, यहाँ पे साइन आई की वैल्यू अगर मुझे दे रखी है, साइन आई की वैल्यू दे रखी है, सॉरी साइन आर वन की वैल्यू मुझे दे रखी है साइन आई अपॉन म्यू, साइन आई अपॉन म्यू। तो साइन होता क्या, ये अगर एंगल आर वन है तो साइन होता क्या, दिस हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू दे रखी है म्यू और इसकी वैल्यू दे रखी है आई, ठीक है, इसकी वैल्यू बता सकते हो पाइथागोरस यूज करके, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये कुछ मिलता है म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे इससे कॉस आर वन की वैल्यू निकालनी थी, ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे कॉस आर वन की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस आर वन की वैल्यू होती है बेस, जो कि है म्यू स्क्वायर माइनस साइन आई अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि म्यू, ये कुछ मिला, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही मैथ्स चल रही। अब देखो इस म्यू को अगर अंदर भेजोगे ना, तो ये म्यू इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, फाइनली हमें मिलता क्या है, साइन यहाँ भी मिला साइन ए और बस यही मिला ए, और देखो ये पूरा रिजल्ट हमें ए म्यू और आई के बीच में मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता होती है, जनरली किसी भी ट्रायंगल का एंगल ऑफ प्रेजेंस पता होता है, किस एंगल पे इंसिडेंस कर रहा है ये भी पता है, म्यू भी पता है, बाकी आर वन आर टू को हटाना था, तो मुझे फाइनल जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ आता है साइन ए अंडर रूट में म्यू स्क्वायर माइनस साइन आई माइनस साइन आई कॉस ए बराबर वन। दिस इज आवर रिजल्ट फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस, कुछ चीज़ें शायद नहीं आए, ठीक है, मैंने क्या लिखा है बोल देता हूँ, साइन यही चीज़ है, सिंप्लीफाई करके लिखा है, कोई बहुत नई चीज़ नहीं लिखी, ये सब काम की चीज़ नहीं, फालतू चीज़ है, ठीक है। मैथ्स की कैलकुलेशन हमारे मतलब बस कर दिया मैंने दिखाने के लिए आपको कि डेरिवेशन अगर बोर्ड में आ जाए तो क्या स्टेप्स यूज़ करने, वो बात फिजिक्स यहीं पे ख़त्म हो जाती है यार, फिजिक्स में आपको स्टेप्स क्या यूज़ करने हैं, कंडीशन कौन सी यूज़ करनी है, यहाँ पे फिजिक्स ख़त्म हो जाती है, ठीक। होपफुली ये चीज़ आप लोग कैसे भी करके समझ पाए हो, ठीक है, समझना कुछ नहीं था, बस इसमें स्टेप्स आपको देखने थे स्टेप्स कैसे होते हैं।
तो ये बात हो गई ग्रेजिंग इमर्जेंस की। अगली बात आती है नो इमर्जेंस। नो इमर्जेंस के बारे में भी थोड़ा सा बात शायद हमने कर रखा था। नो इमर्जेंस की बात मुझे समझ में आती है, अगर कोई प्रिज्म है यहाँ से लाइट गई, यहाँ पे हुई डेविएट, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं, यहाँ पे लाइट गई और यहाँ पे हुई डेविएट, नो इमर्जेंस, ये बिल्कुल सीधा लग गया, यहाँ पे हुई डेविएट, हाँ अब डेविएट लग गया। नो इमरजेंस का मतलब इसे जाना था उस पार लेकिन जा नहीं पाई और यहीं आ गई, टकरा के यहीं आ गई। ये अगर नॉर्मल है तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसी चीज़ को तो हम लोग बोलते हैं ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हम लोग पढ़ रहे हैं नो इमरजेंस के बारे में, मतलब लाइट प्रिज्म में एंटर तो कर जाए लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, इसी बात को तो बोलेंगे नो इमरजेंस। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, चलो यहाँ पे भी वही टू वही चीज़ें करनी है जो हम लोग जो अभी मैंने बताया कि हमें यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज़ करना है, R1 R2 के बीच में रिलेशन यूज़ करना है, वही काम है। ठीक है, इसके लिए भी कोई बहुत रिजल्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है हमें। सबसे पहले यहाँ पे I दिस इज म्यू, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज A। पहली बात जब यहाँ पे यूज़ करूँगा स्नेल्स लॉ तो म्यू 1 यानी 1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1, पहली बात बिल्कुल अच्छी हो गई। ठीक है, दूसरी बात, अच्छा क्या मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, जब यहाँ पे लाइट बाहर ही नहीं जा रही, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो स्नेल्स लॉ लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है TIR, तो TIR की कंडीशन लगाएंगे ना। TIR की कंडीशन याद है आपको क्या होती है? हाँ, TIR की कंडीशन होती है ये वाला जो एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल है बड़ा होना चाहिए एंगल, किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो R2 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, थीटा सी बोलते हैं ना, R2 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहां पे मैं दोनों तरफ साइन ले सकता हूं, तो साइन R2 शुड बी ग्रेटर देन साइन थीटा सी, याद है साइन थीटा सी क्या होता है? रेशियो बाहर वाले का, रेयरर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर का, तो रेयरर का तो 1 है, डेंसर का है म्यू, तो दिस कम्स आउट टू बी 1/μ। R2 शुड बी ग्रेटर देन 1/μ, पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात भी मुझे पता है, R1 प्लस R2 बराबर होगा A के, तीन कंडीशन। ठीक है, ये बात यहाँ पे फिजिक्स वाला काम खत्म। अब इन्हें मैन्युपुलेट करके, जैसे भी मैन्युपुलेट करके एक अच्छा सा रिजल्ट अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी ठीक है। यहाँ पे फिर इसके आगे का हमें काम करना है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि R2 को हटा दूँ, तो पहली चीज़ तो सही से लिखे साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन R1। अब यहाँ पे साइन R2 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ A माइनस R1 शुड बी ग्रेटर देन 1/μ, ये चीज़ बड़ी होनी चाहिए 1/μ से। इसको भी चाहो तो एक्सपेंड कर लो, साइन A माइनस B फिर से वही कहेंगे साइन और कॉस के बीच में आएगा और फिर से वही रिजल्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जब कभी भी आपको HH इस पे डेरिवेशन की बात ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो क्या पूछा जाएगा कि भैया बताओ यहाँ पे TIR हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पता है हमें, पहली कंडीशन लगाएंगे, दूसरी लगाएंगे, अगर ये फॉलो करेगा तो TIR होगा, नहीं फॉलो करेगा तो TIR नहीं होगा। अगर आप मुझसे पूछो कि सर कोई ऐसा कुछ है डायरेक्ट कि चेक किया जा सकता है, तो एक रिजल्ट होता है इस पे कि अगर जैसे ए हमारा बड़ा है 2θc से, तो ये कंडीशन आती है नो इमरजेंस की, यहीं से आती है, ये जो इक्वेशंस है ना इन्हीं को मैनिपुलेट करके। तो चलो भैया समझते हैं थिन प्रिज्म क्या होता है ना। थिन प्रिज्म को बोलते हैं लोग स्मॉल एंगल प्रिज्म, ये भी बोला जाता है। थिन मतलब कोई प्रिज्म है पतला सा, ये बात तो नाम से ही समझ आ गई, अब कितना पतला है ये बात आती है। तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है ना ये कम होता है, ए इज वेरी स्मॉल। अब फिजिक्स में जब कोई चीज़ आती है ना बहुत छोटा है तो ये दिमाग में आता है कि कितना छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे एज सच बहुत कुछ सर्टेन चीज़ नहीं है कि बोलते कि इतना ही छोटा है, लेकिन हाँ हम लोग प्रैक्टिकली जैसे कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इवन 7 या 9 डिग्री तक भी कोई एंगल ऑफ प्रिज्म है तो उसे हम लोग स्मॉल एंगल प्रिज्म मान के चलते हैं। ठीक है, अब स्मॉल एंगल बोल दिया तो कुछ चीज़ें हमें तुरंत दिमाग में क्लिक करनी चाहिए कि एंगल स्मॉल, ठीक है, तो हमें अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कोई लाइट आई, ठीक है, लाइट को इंसिडेंस की तो अंदर जाके तो रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पे आई ये R1 और ये R2 और ये हमारा ई, ये हमारा छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बता रखा था जब भी कभी प्रिज्म दिखे तो यहाँ पे स्नेक्स लॉ, यहाँ पे स्नेक्स लॉ, R1 R2 के बीच में रिलेशन बना, तो ये कलर मिलेगा 1
म्यू वन साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, तो साइन आई इक्वल्स टू म्यू साइन आर वन, पहली बात ये बात तो नहीं जा रहा है। दूसरी बात यहाँ पे करें तो ये आएगा म्यू साइन आर टू इक्वल्स टू साइन ई, दूसरी बात। तीसरी बात तो हमें पता है इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू होता है ना। अच्छा ये भी नहीं पता है कि डिविजन कितना होता है, आई प्लस ई माइनस पी। अब यहाँ पे है स्मॉल एंगल, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, एंगल अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा इज लगभग बराबर टू थीटा, ये बात तो पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे साइन थीटा है मैं थीटा रिप्लेस करूंगा, तो पहले इक्वेशन मिलेगी मुझे साइन थीटा की जगह आई आ गया, साइन आई की जगह आई इक्वल्स टू म्यू आर वन, दूसरा आ गया आर टू इक्वल्स टू सॉरी म्यू आर टू इक्वल्स टू ई, पहली बात। दूसरी बात नए फॉर्म में, तीसरी बात तो हमें पता ही है। अच्छा अगर मैं यहाँ से डेविएशन कैलकुलेट करना चाहूँगा तो देखो क्या मिलता है, डेविएशन इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ई, यहाँ से मैं आई आई रखा आई की जगह रखता हूँ म्यू आर वन, ई की जगह ये रखता हूँ म्यू आर टू माइनस ए। ध्यान से देखना, ध्यान से म्यू अगर भाग लिया तो आर वन और आर टू, आर वन प्लस आर टू ए होता है, आर वन आर टू क्या होता है ए के बराबर माइनस ए, तो ये क्या मिला म्यू ए माइनस ए, तो डेविएशन कम्स आउट टू म्यू ए भाग ए म्यू माइनस वन, दिस इज रिजल्ट फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन होता है सिर्फ ए म्यू माइनस वन, बाकी ये आई पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, आई पे डिपेंड नहीं करेगा, ई पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। और ये इस छोटे से फॉर्मूले पे बहुत सारे सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं, इवन आईआईटी में भी इस पे स्मॉल एंगल प्रिज्म के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बात आपको समझिए। इससे ना यहीं से सेम यहीं से एक और अच्छा सा रिजल्ट हमें मिलता है। अच्छा हम लोग बात कर चुके हैं उसके बारे में मिनिमम डेविएशन, हाँ आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इस पार्ट को मुझे हटाना, ठीक है, नोट कर लिया, बता दे रहा हूँ। मिनिमम डेविएशन के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पे होता क्या है कि आई बराबर हो जाता है ई के और आर वन आर टू भी बराबर होता है और ये ए बाई टू के बराबर होता है, ठीक है, ये बात मुझे बता। अगर मैं थोड़ा यहीं पर बात करूँ स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, ठीक, तो मुझे कुछ नहीं करना, आई को ई के ई से रिप्लेस करना और आर वन आर टू को ए बाई टू से। तो अगर मैं पहली इक्वेशन में जैसे साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर वन है तो यहाँ पे करूँ तो साइन आई, ठीक है, पहली बात देखो ये जो डेविएशन है ये वाला कौन सा डेविएशन इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, तो यहाँ पे अगर आई और ई बराबर है तो ये क्या मिलता है डेविएशन इक्वल टू, हम लोग किसकी बात करें मिनिमम डेविएशन, डेविएशन मिनिमम वाला बराबर है टू आई माइनस ए, मैंने क्या दिया आई और ई बराबर है तो उसको ई को आई के बराबर करके तो आई की वैल्यू कितनी मिली मुझे डेविएशन मिनिमम इधर भेजो तो प्लस हो गया अब प्लस ए अपॉन टू, तो ये तो वैल्यू मिलती है आई की, ठीक है, तो ये आई को मैं मुझे यहाँ लिख लूँ डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन टू, ये हो गया पहली इक्वेशन यूज करा इक्वल्स टू म्यू साइन आर वन, आर वन आर टू बराबर तो मैं यूज कर सकता हूँ साइन ए अपॉन टू, ये मैंने क्यों किया इससे एक फॉर्मूला मिलता है, इससे म्यू की वैल्यू पता चलती है, म्यू की वैल्यू कुछ आती है साइन डेल्टा डेविएशन मिनिमम प्लस ए अपॉन में टू अपॉन पूरा 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 अपॉन साइन ए अपॉन टू, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। अगर कोई प्रिज्म है उसका डेल्टा मिनिमम पता है एंगल ऑफ प्रिज्म पता है तो उससे हम लोग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए भी ये फॉर्मूला है, कंडीशन किसकी है मिनिमम डेविएशन की, ठीक है। तो आपने यहाँ पे स्मॉल एंगल प्रिज्म से डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा, मिनिमम डेविएशन के बारे में भी हमने एक रिजल्ट डिराइव कर लिया, ठीक है, ये रिजल्ट कहाँ से आया ये आपने देख रखा, ठीक है, कॉपी में बहुत अच्छे से इनको नोट करना, ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आपको कहीं भी दिख सकता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, बहुत सारे इस चैप्टर में फॉर्मूले हैं, बाकी याद सबको नहीं करना है, मतलब ये कुछ कुछ जरूरी है, जैसे ये भी जरूरी है, ठीक है, ये याद कर लेना, हाँ ये चल के थोड़ा सा आगे यूज आएगा इस फॉर्मूले का, दिमाग में रखना आगे चल के लोग फिर से इसको यूज करेंगे। तो ये भी बात स्मॉल एंगल प्रिज्म की, अगर कोई पूछे इसमें सवाल आता है क्या, हाँ आता है, बहुत आसान से सवाल आते हैं, मतलब एक तो सवाल ऐसे आता है कि बोल रखा था कि डेविएशन जो है 6 डिग्री का है, ठीक है, और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म 3 डिग्री है, ये नहीं बोला था कितने,
बस बोल रखा था कि एक प्रिज्म है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म है 3 डिग्री और वो 6 डिग्री से डेविएशन कर रहा है। फिर पूछा बताओ इस प्रिज्म पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा। अब देखो जिसने समझ लिया कि 3 डिग्री है तो थिन प्रिज्म होगा, आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये समझ लिया आपको फॉर्मूला ये क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी इतनी कम डिटेल दी है ना कि लोग सोच नहीं पाते कि इसमें करना क्या है। तो आपको तो पता चल गया ना कि ये थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म का डेविएशन होता है ए न्यू माइनस वन। तो आपको ये फॉर्मूले में बस रखोगे वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा 6 3 न्यू पता करना है 1 2 न्यू की वैल्यू आती है 3। पॉसिबल है कोई भी ऐसा मटेरियल हो सकता है जिसकी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 3 हो। तो ऐसे इस टाइप के भी सवाल आपके थिन प्रिज्म से पूछे जाते हैं। ठीक है, होपफुली ये वाली बात थिन प्रिज्म के बारे में भी आपको समझ जाए। प्रिज्म का डेविएशन वाला पार्ट खत्म हुआ, अब हमें समझना है कि डिस्पर्जन, प्रिज्म पे डिस्पर्जन पे हमें काम करना, समझना है कि प्रिज्म का डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं। अरे डिस्पर्जन तो पढ़ा था यार, किसकी टेंथ में पढ़ा, 8th में भी पढ़े मुझे पता है डिस्पर्जन। अभी इसकी डेफिनेशन बोलकर पहले समझना है। स्प्लिटिंग ऑफ अ वाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ व्हेन इट पासेस थ्रू अ स्प्लिटिंग ऑफ अ वाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्जन। ठीक है, ये कोई प्रिज्म है, ये कोई प्रिज्म है, यहाँ से एक वाइट लाइट गई, यहाँ से एक वाइट लाइट गई और वो भी यहाँ से रिफ्लेक्ट जब निकलेगी तो 7 कलर में निकलेगी, 1 2 ऐसे नहीं ऐसे 1 2 3 4 5 कैसे बनता है 5 6 7 इनके नाम भी पता है सबको। ठीक है, इन सारे कलर्स के नाम भी पता है। ऊपर होता है ध्यान रखना विप्रो नीचे शुरू होता है वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज ऑरेंज और रेड व्हाइट व्हाइट गई स्प्लिट होके 7 कलर्स में 7 रंगों में आ जाती है। इसे बोला जाता है क्या बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ रेनबो इज नोन एज डिस्पर्जन। वही प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रिज्म किसी लाइट को डेविएट कर देता है वैसे ही प्रिज्म व्हाइट लाइट के साथ डिस्पर्जन भी शो करता है डिस्पर्जन। ठीक है, मैंने लिखा है डिस्पर्जन। हाँ ये बात हो गई डिस्पर्जन की। अब इस पर क्या पूछा जाता है, इस पर भी पूछा जाता है, दो चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी होंगी। एक तो पूछा जाता है इस पर एंगुलर डिस्पर्जन कितना हुआ। ठीक है, और एक और चीज़ पूछी जाती है पावर डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ये दो चीज़ें समझनी है प्रिज्म के लिए। एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स वॉल्यूम से लेकर रेड कलर, अगर मैं इनको एक यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड करूँ तो ये कुछ आगे जो सबसे एक्सट्रीम वाले हैं, सबसे एक्सट्रीम पे वॉयलेट और दूसरे एक्सट्रीम पे रेड, इनके बीच में जो डेविएशन हुआ सबका डेविएशन, जैसे कि इतना डेविएटेड नीचे वाले और डेविएटेड है, तो मुझे पता है कि ये डेविएशन में अंतर है। तो इनके बीच में जो डेविएशन में एंगल का अंतर आता है उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्जन हो गया डेविएशन ऑफ वॉयलेट माइनस डेविएशन ऑफ रेड। ये बात भी समझ में आ रही होगी कि रेड कम डेविएट है येलो वॉलेट ज्यादा डेविएट है। तो डिस्पर्सिव एंगुलर डिस्पर्जन इज एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन वॉलेट एंड रेड कलर ऑफ लाइट, जो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही होगा एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक है, ये फॉर्मूला एक तरीके से फॉर्मूला क्या रिजल्ट है, जो एक्सट्रीम वाले लाइट है उनके बीच में डिस्पर्जन हुआ है। अच्छा, प्रिज्म के बारे में ये जैसे हम लोग को डेविएशन के बारे में पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में वेवलेंथ के बारे में भी कुछ पता है, तो एक चीज़ है नोट कर लेना, जैसे कि मुझे पता है कि डेविएशन वॉयलेट का ज़्यादा होगा रेड से, ये बात पता है, तो म्यू भी इसका वॉयलेट का ज़्यादा होता है रेड से, म्यू भी वॉयलेट का ज़्यादा होता है रेड से। इसके अलावा वेवलेंथ पे पूछा जाए तो वेवलेंथ में उल्टा हो जाता है, वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है वायलेट से, वेवलेंथ रेड का ज़्यादा होता है वायलेट से। अरे कितना बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार कि रेड लाइट मतलब सिग्नल्स जो होते हैं ट्रैफिक सिग्नल रेड लाइट के क्यों बनते हैं, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है दूर से देखा जा सकता है। तो और ये भी पता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
कंपेयर करने वाले सवाल आते हैं, ये सब चीजें आपको बिल्कुल आराम से कर सकते हो, प्रिज्म के सवाल, ठीक है। ये बात हुई किसकी, एंगुलर डिस्पर्जन की। एंगुलर पावर क्या होता है, तो डिस्पर्सिव पावर भी रेशियो होता है, मैं लिख रहा हूँ, डिस्पर्सिव पावर होता है रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू मीन डिस्पर्जन। मीन डिस्पर्जन क्या होता है, जैसे एंगुलर डिस्पर्जन तो हो गया वॉलेट माइनस रेड का अपॉन, ये जो जितने कलर्स हैं ना इसमें एक जो बीच वाला कलर, ठीक है, जिसको हम लोग मीन देंगे, मतलब एक्सट्रीम वाले जो है उनको ऐड करके आधा करेंगे तो जो मीन वाला होगा उसको हम लोग मीन वाले पे आता है येलो माइनस वन, तो ये मिलता है मुझे डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर का ये फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज किसी ने नोटिस किया हो ना, तो भैया सात कलर है, सात में अगर मीन देखो तो ग्रीन आता है ना, ठीक है, सात में ऊपर से करो नीचे से करो तो ग्रीन आना चाहिए मीन पे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे येलो वाले को यूज किया जाता है, ठीक है, कोई पूछे कारण कि क्यों येलो को यूज किया जाता है, तो एक्चुअल में जो वाले और रेड का मुझे मीन लेना होता है, तो जो इनकी वेवलेंथ होती है या फिर इनसे जो डिस्पर्जन होता है उनको जोड़ के वाले को और रेड को दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, तो एक्चुअल हमें लगता है कि ग्रीन के आसपास आना चाहिए पर आता है येलो के पास, ठीक है, इसलिए हम लोग ग्रीन की जगह येलो को देते हैं अपना मीन डेविएशन की जगह, ठीक है। बाकी आपको मीन डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्जन है, इसमें अगर मीन डिस्पर्जन की बात करें, एंगुलर डिस्पर्जन को थीटा से लेना पड़ता है, ठीक है, थीटा से अगर थीटा मीन की बात करें आपसे कभी भी, तो ये आपको क्या करना है, आपको वॉयलेट और रेड का आधा लेना है, तो ये मीन के बारे में बताया था, ठीक है, ये बात हुई एंगुलर डिस्पर्जन की, डिस्पर्सिव पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं सवाल, इस पर देखो एक सवाल कराता हूँ, सवाल करते ही आपका दिमाग खुल जाएगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फॉर्मूला हटा दिया किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं रखा कि कोई प्रिज्म है और प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट जाती है तो उसमें जो भी डिस्पर्जन वगैरह होता है उसमें डेविएशन दे रखा है वायलेट लाइट का होता है कुछ भी रैंडम से बने गए, ठीक है, 1.664 और रेड लाइट का होता है कुछ डिस्पर्जन 1.642, ठीक है, ये दे रखा है कि प्रिज्म है, प्रिज्म से जब डिस्पर्जन होता है तो वायलेट लाइट का डिस्पर्जन एंगल इतना आता है और रेड लाइट का डिस्पर्जन एंगल इतना आता है। क्या आप मुझे बता सकते हो इस प्रिज्म का डिस्पर्जन पावर कितना है, पावर पूछा है, दो का देखिए पावर पूछा है, ठीक है, तो पूछो कि अगर आप मुझे येलो का दो तो मैं बता दूंगा, ठीक है, येलो की जरूरत नहीं है सर, अगर डिस्पर्जन पावर आपको पता करना है तो डिस्पर्जन पावर क्या होता है, डिफरेंस वायलेट माइनस रेड अपॉन येलो माइनस वन, ठीक है, वो नहीं करना आपको, आपको क्या करना है इन दोनों को ऐड करके भी जो नीचे का जो मीन निकालना होता है इन दोनों को ऐड करने से मिलता है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो येलो वॉलेट और रेड अपॉन टू, यही अपना मीन, यही अपना मीन डिस्पर्सिव पावर, और इसमें सबकी वैल्यूज पता है, फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर कितना है। बाकी डिस्पर्सिव पावर प्रॉपर्टी होती है प्रिज्म की, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही इस प्रिज्म का एक डिस्पर्सिव पावर है, ठीक है, वो एक इसकी खुद की प्रॉपर्टी हो गई, तो ये बात होगी डिस्पर्जन की। एक और छोटी सी चीज़ है इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे एक ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो ये रहा एक प्रिज्म, ठीक है, यहाँ से लाइट आई तो लाइट अगर व्हाइट लाइट है तो लाइट को ये प्रिज्म डेविएट भी कर देगा डिस्पर्स भी कर देगा, लेकिन अगर मैं एक और ऐसा ही प्रिज्म इसके साथ जोड़ के रखता हूँ, ठीक है, एक और प्रिज्म इसके साथ ये मात्र एंगल है इसका भी कुछ A1 A2 मात्र एंगल है, ठीक है, तो होगा क्या, इस प्रिज्म ने इसे डेविएट भी किया डिस्पर्स भी किया, इसने डेविएट किया डिस्पर्स भी किया, ठीक है, तो दोनों अगर दोनों आ जाते हैं दो दो प्रिज्म एक साथ में अगर मैं यूज कर लेता हूँ तो मुझे ऐसा है कि ऐसा भी मिलेगा कि ये डेविएट तो होगा लेकिन जैसे पहले ने डिस्पर्स किया वापस दूसरे ने वापस से उसको जैसे व्हाइट 7 में कलर में डिस्ट्रीब्यूट हुई फिर 7 से व्हाइट में भी वापस आ सकते हैं,
तो ये होता है, इससे डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन भी मिलता है, ठीक है। इसका नाम भी कुछ बोलते हैं, इसको सर क्राउन बोलते हैं और इसको क्लिप बोलते हैं, ठीक है। बस इंफॉर्मेशन के लिए क्राउन मतलब ताज, ट्राइंगुलर ताज और ये उल्टा ताज, ठीक है। ये हुई बात पूरी प्रिज्म के बारे में, पूरी बात खत्म हो गई। हमने पढ़ लिया कि डेविएशन कैसे निकालते हैं, डिस्पर्जन कैसे निकालते हैं, पूरी कहानी इतनी सी है। फिर आगे प्रिज्म की कहानी खत्म, आगे और भी कुछ है, आगे हम लोग को लेंस के बारे में पढ़ना है। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखो अपना, टेक केयर।